हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय श्रोतागणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, रोज की तरह आज भी आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और दैनिक राशिफल की चर्चा से पहले आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी जरूर देंगे और बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दिनांक 20 जनवरी सन 2023 दिन शुक्रवार संवत 2079 का है। हिंदी का महीना माघ का महीना चल रहा है और पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी आज त्रयोदशी प्रातः 10 बजे तक, उसके पश्चात चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी। कहने का भाव है कि एक तिथि घट रही है, कम हो रही है और नक्षत्र रहेगा मूल आज, योग होगा व्याघात, करण होगा वणिज और राशि होगी धनु। राहु काल की समय अवधि रहेगी प्रातः 11:16 से लेकर दोपहर 12:38 तक। अभिजीत मुहूर्त की समय अवधि होगी दोपहर 12:14 से लेकर दोपहर 1:02 तक। मासिक शिवरात्रि व्रत है आज साथियों, गंडमूल भी दोपहर 12:40 पर समाप्त हो जाएंगे। ये थी जानकारी पंचांग को लेकर के। अब हम आपके साथ बात करने वाले हैं आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में। और ये दैनिक राशिफल आपका गोचर में जो वर्तमान में ग्रहों की स्थिति है उस पर आधारित है। सबसे पहले चर्चा आरंभ करेंगे मेष राशि के जातकों से और आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप किसी कानूनी विवाद में फंसे हुए हैं या कोई कानूनी विवाद चल रहा है तो ये मान करके चलिए कि देखिए थोड़ा सा आपको गंभीरता से लेनी होंगी चीज़ें और कानूनी सलाह भी प्रॉपर वे में लेनी होगी, लेकिन उसको लेकर के परेशान नहीं होना है उस मैटर को, क्योंकि ये कानूनी लड़ाई अंततः गोतवा आपके पक्ष में ही जानी है। आपको बस धैर्य रखने की आवश्यकता रहेगी, जल्दबाजी में की गई चीजें आपका काम बिगाड़ सकती है। उपाय आप करें तांबे का पैसा और चांदी दूध एवं चावल से धोकर जमीन में कहीं एकांत जगह में जाकर के दबा सकते हैं और चावल दूध घर के बाहर किसी पौधे में डाल दीजिए जिससे आप इन चीजों को साफ करेंगे। तांबे के पैसे को वो चीज आप घर के बाहर ही किसी पौधे में डाल सकते हैं तो ऐसा करने पर आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए संतरी, शुभ अंक आपके लिए आज 1। वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन साथियों, आज के दिन आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और इसे अपने लाभ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको निश्चित रूप से इसका लाभ प्राप्त होगा। और आज आप अपने सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास के कारण अपने आसपास के लोगों को भी प्रभावित करने में सक्षम रहेंगे। आपको आज कुछ ऐसे अच्छे अवसर या कोई प्रपोजल्स जो हैं वो मिलने की अच्छी संभावना बनी हुई है जो आपकी संभावनाओं का विकास करने में आपकी काफ़ी मददगार साबित होगी। उपाय आप कर सकते हैं तो आपके लिए उपाय ये बनता है सफ़ेद चंदन का तिलक लगा करके अपने घर से निकलेंगे तो स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। शुभ रंग आपके लिए है आज हरा और शुभ अंक आपके लिए आज 1। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन। प्रिय साथियों, आप जो मिथुन राशि के जातक हैं आज आपको जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करने में काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे आप अगर उनकी मदद करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं तो आज के दिन। और वैसे देखा जाए तो आज का जो ये दिन है आपके लिए सामाजिक कार्यों में लिप्त होने के लिए बहुत सही दिन है। कुछ आप पैसा भी दान कर सकते हैं और आज का दिन आपके लिए काफ़ी फायदेमंद दिन है। आप पूरे दिन में किए गए सामाजिक कार्यों से काफ़ी प्रसन्न और सेटिस्फाई रहेंगे। उपाय आप कर सकते हैं तो आपके लिए उपाय ये बनता है गणेश चालीसा एवं गणपति जी की आरती करें और ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद और शुभ अंक आपके लिए आज 8। कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन। आज जो साथियों आप कर्क राशि के जो जातक हैं आपकी जो इच्छाएं हैं, जो एस्पिरेशंस हैं और जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आपस में मिसमैच होंगी, यानी कि आप जैसा चाहते हैं जिम्मेदारियां कुछ और फुलफिल करेंगे, कुछ और अलग जिम्मेदारियों पर आप काम करेंगे, इच्छाएं आपकी कुछ और करने की होंगी। इस कारण से आप अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक तरीके से असंतुष्ट महसूस करेंगे और आपका जो आत्मविश्वास का जो स्तर है, लेवल है, उसमें भी चेंज आएगा।
और ये कठिनाइयों बाधाओं के कारण ऐसा हो सकता है कि भाई आपको ज़्यादा कठिनाइयाँ या बाधाओं का सामना करना पड़े, इसलिए ऐसा मुमकिन है। लेकिन इसकी आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है बिल्कुल भी, और इन परेशानियों को चतुराई और शांति से संभालने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ बढ़िया होगा, और आप अंतिम परिणामों से जो मिलेंगे आपको दिन में, उनसे आप काफ़ी हद तक संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे। इन परेशानियों पर गौर कीजिए, ऐसा करने से आपको भविष्य में भी खुशी प्राप्त होगी। और आज के दिन अपने दोस्तों, अपने मित्रों या परिवारजनों के साथ समय आप बिताएं जिनके साथ आप काफ़ी समय से मिल नहीं पा रहे हैं। उपाय आप कर सकते हैं तो आपके लिए उपाय बताते हैं। अनंत मूल की जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर अपने पास रखिए, आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करेगा, मजबूत करेगा ये उपाय। शुभ रंग आपके लिए है आज स्लेटी और शुभ अंक आपके लिए आज 7। सिंह राशि यानी कि लियो साइन, आप में से कुछ लोग जो सिंह राशि के जातक हैं, अपने जीवन में हो रही कुछ अच्छी चीजों से संतुष्ट होने के भाव में रह सकते हैं। यानी कि जीवन में जो कुछ चीजें चल रही हैं उनमें से काफी चीजों को लेकर के आप सेटिस्फाई रहेंगे, और यह आपको उदार महसूस करा सकता है, काफी लिबरल। और आप जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए, अपने आप को समर्पित करने के लिए भी तैयार रहेंगे, और अपने प्रियजनों के साथ आपके बंधन काफी मजबूत और बेहतर स्थिति में हो सकते हैं। और दिन के अंत में आप कुछ अपने आप को अलग महसूस करेंगे, फीलिंग कुछ डिफरेंट आएंगी, और ये कोई खराब फीलिंग्स नहीं होंगी, अच्छी और बढ़िया फीलिंग्स होंगी। उपाय आप करें अच्छे प्रेम संबंधों के लिए, सफेद रुमाल जेब में रख करके आप जाएं घर से, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि वो रुमाल कहीं से भी गंदा ना हो, स्पॉटलेस हो। शुभ रंग आपके लिए आज केसरी, शुभ अंक आपके लिए आज 1। कन्या राशि यानी कि वर्गो साइन, आज आपके सभी कार्यों की बहुत ही ज्यादा सराहना होगी। साथियों, आपकी कार्यों को लोग अप्रिशिएट करेंगे, जिसके कारण आपके लिए कुछ काम के अच्छे अवसर आएंगे, और इसी के साथ आप दूसरों को कठिन समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करने के लिए आगे आ सकते हैं, और इसके लिए आप पूर्ण रूप से सक्षम हैं, कैपेबल हैं। लोगों को अधिक से अधिक आपके परामर्श की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपकी मदद से उनकी सहायता हो रही है, वो ऐसा उनकी फीलिंग्स रहेंगी। और आज अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए आप अपने दिमाग का भी भरपूर इस्तेमाल करेंगे। उपाय आप कीजिए, काला सुरमा वीरान स्थान में दबाने पर स्वास्थ्य में होगा आपके सुधार। शुभ रंग आपके लिए है आज नीला और शुभ अंक आपके लिए आज 4। तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन, तुला राशि के जातक धनु राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आज आप किसी बदलाव के कारण थोड़ा बहुत लिटिल बिट टेंशन में रह सकते हैं, और आपको परिवर्तन के लिए थोड़ा सा अपना माइंड एक तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओपन हार्ट एंड ओपन माइंड जैसे को कहते हैं, वो रखना पड़ेगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा बेचैन हो सकते हैं, सब कुछ आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपके नियंत्रण से बाहर जा रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं होगी, ये सिर्फ आपकी फीलिंग होंगी ऐसी। और आपको आगे बताएं कि देखिए, नौकरी का तनाव अपने मन में ना रखें, यदि कि अगर आपके कोई नौकरी को लेकर के कोई टेंशन चल रही है तो उसको बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहिए, वो टेंशन आप अपने दिमाग में ना लाएं। देखिए, कुछ ना कुछ बदलाव होने की तो परिस्थितियां बन रही हैं, इस बात से तो हम इनकार नहीं कर सकते, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन बदलाव के लिए बेसिकली आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। ये बदलाव आपके लिए बेहतर होगा आने वाले दिन में, बस आपको कोशिश ये रखनी है कि आप शांत रहिए, और आज किसी भी तरह से अराजकता के ख़त्म होने का इंतज़ार करें। जो भी मतलब कुछ ऐसा टाइम है जिसको आप फील करते हैं कि ये मेरे अगेंस्ट है टाइम, मेरे फेवरेबल टाइम नहीं है, उसको ख़त्म होने का इंतज़ार करें। उपाय आप करें, काली गाय की सेवा करने पर आपके प्रेम संबंध बेहतर होंगे और आपकी व्यक्तिगत समस्याएं भी दूर होंगी। शुभ रंग आपके लिए पीला और शुभ अंक आपके लिए 9। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो साइन, आज आपको अपना जो ध्यान है वो अपने कार्य पर पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, अन्यथा कार्य बिगड़ भी सकता है। और अपने जितने भी कानूनी मुद्दे हैं उनको दूर करने के लिए भी आपको कोशिश अपनी जारी रखनी चाहिए, जितना जल्दी से जल्दी उनको आप उनका निपटारा कर सकें उतना अच्छा है, बेहतर है। देखिए,
वैसे भी सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि इस दिन आप किसी झगड़े या मुकदमे में भी फंस सकते हैं। इस बात का बहुत ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, सचेत करना चाहते हैं हम आपको यहाँ पर। आज आपको बहुत ही पेशेंस से कार्य करना होगा और कार्य लेना होगा। आज कठिन मुद्दों को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने से आपकी समस्याएं दूर होंगी और उनको सुलझाने में भी मदद मिलेगी आपको। और आपको ये समझने की भी आवश्यकता है कि प्रॉब्लम लाइफ में तो आती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम लाइफ है तो प्रॉब्लम्स हैं। उपाय करना है आपको आज अच्छे पारिवारिक जीवन के लिए नहाने के जल में काले तिल, थोड़े से काली सरसों के दाने डालकर आप स्नान करें। यह आपके पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी। इससे शुभ रंग आपके लिए गुलाबी और शुभ अंक आपके लिए 5। धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस साइन, देखिए आज आप अपने बारे में कुछ अच्छी फीलिंग्स और अच्छे विचार रखेंगे। फीलिंग्स भी अच्छी आएंगी आपको और विचार भी आपके अच्छे रहेंगे अपने को लेकर के, स्वयं को, और आपका आत्मविश्वास का जो लेवल है वो भी बढ़ेगा। आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा साबित होने जा रहा है और आज आपको अपने कार्यस्थल पर भी एप्रिसिएशन मिलेगा और आपको मान सम्मान भी मिलेगा अपने अच्छे कार्यों के लिए। आपको अपने वरिष्ठ यानी कि सीनियर्स और जो आपके कलीग्स हैं उनका भी पूरा सहयोग मिलेगा। आपने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए लगातार जो कड़ी मेहनत की है साथियों, और आप इसके काबिल हैं, डिजर्व करते हैं आप। आज के लिए सारी चिंताएं छोड़कर आप अपनी कामयाबी और उपलब्धियों का आनंद लेने की कोशिश करें, बस यही आपके लिए बनता है। उपाय आपके करें, बड़ के पेड़ पर दूध चढ़ाएं और फिर गीली हुई मिट्टी से तिलक करिए, स्वास्थ्य बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए आज भूरा और शुभ अंक आपके लिए आज 3। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन, देखिए आज आपके खर्चों में कुछ थोड़ा बढ़ोतरी हो सकती है और ये भी आपके लिए एक चिंता का विषय बन सकता है आज के दिन, क्योंकि आज आप किसी भी तरह की बचत कर पाने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पर सावधान करना चाहते हैं कि अपने खर्चों पर नियंत्रण कर सकें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आपके दिन की सर्वश्रेष्ठ चीज आत्मनिर्भरता रहेगी, यानी कि अगर आप, सबसे बड़ी बात यह किसी पर डिपेंड नहीं है और सिर्फ अपने अपने बूते पर अपने दम पर कोई भी कार्य करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप अपने मित्रों और परिवार को जितना संजोते हैं, यानी कि जितना उनको चाहते हैं कि भाई सब एक साथ रहें, प्यार मोहब्बत बना रहे, आज आपको इस बात का एहसास होगा कि जो आप करना चाहते हैं उसके कितने अच्छे परिणाम आ रहे हैं। आपके सबसे जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं केवल आपके द्वारा लिए जाते हैं और केवल आप ही उन निर्णयों के परिणाम प्राप्त भी करते हैं, इसलिए आज ही अपनी निर्णय लेने की क्षमता पर थोड़ा ध्यान जरूर दें और व्यक्तिगत और अपने पेशे दोनों ही मोर्चों पर, अपनी वृत्ति पर थोड़ा, अपनी नेचर पर थोड़ा सा भरोसा करें। जो आपकी कार्यशैली है, कार्य करने की ढंग है, सोच है जो आपकी, उस पर भी विश्वास करना सीखें थोड़ा। उपाय आप करें, एक नारियल और 7 बादाम किसी भी धार्मिक स्थान में जाकर के दान करके आ सकते हैं आप। ऐसा करने से आपकी लव लाइफ बेहतर होगी, स्मूथ होगी। शुभ रंग आपके लिए ग्रे और शुभ अंक आपके लिए है आज 2। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन, आज अचानक आप अपने विचार और निर्णय बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने वाले को, जो भी आपके सामने हैं, उनको ये बता पाएंगे, समझा पाएंगे कि भाई मेरे क्या निर्णय हैं और क्या क्या मेरे विचार में रखता हूँ आपको लेके, या जो और कुछ कार्य हैं उनको लेकर के, ये बहुत स्पष्ट कर देंगे आप सभी के सामने। और आपके जीवन में ऐसा होने से काफ़ी क्लैरिटी आएगी। किसी भी अधूरे प्रोजेक्ट को आप पूरा करने के मूड में रहेंगे और पूरा भी करने की कोशिश आपकी रहेगी और करेंगे भी। आपके जीवन में कई मुद्दे ऐसे हैं जो अभी तक उनके विषय में ज़्यादा लोगों को नहीं मालूमात थे, वो भी अब पता लगेगा आपके द्वारा। और आज आपको अपने काफ़ी कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं। देखिए उपाय आप कर सकते हैं, मंदिर में जाएं, गणपति जी की मूर्ति के आगे एक काला सफ़ेद झंडा वहां पर लगा करके आ जाएं। प्रेम संबंधों में तो खैर मधुरता आएगी ही, पारिवारिक संबंध भी आपके बहुत अच्छे रहेंगे। शुभ रंग आपके लिए मैरून, शुभ अंक आपके लिए आज 7। अंत में मीन राशि यानी कि पाइसेस साइन, साथियों आज आप परिवार का कुछ साथ महसूस करने वाले हैं, यानी कि जो आपके पारिवारिक सदस्य हैं वो पूरा सहयोग करेंगे आपके साथ, आपका पूरा साथ निभाएंगे और आप परिवार के साथ बहुत अच्छे ढंग से अपना समय व्यतीत करेंगे, जिसके कारण आपको खुशी तो मिलेगी ही, सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा।
किसी जरूरतमंद को दान देने से आपके मन को और अधिक प्रसन्नता फील होगी और आप किसी पूजा स्थल पर जाकर के धार्मिक लाभ भी ले सकते हैं वहां पर पूजा पाठ करके। उपाय आप करें, हनुमान मंदिर में जाकर के बादाम चढ़ाइए, जितने बादाम चढ़ाते हैं उसके आधे बादाम अपने वापस ला करके जहां पर आप पैसे रखते हैं जिस अलमीरा में या लॉकर में उसको उनको वहां पर रख दीजिए, आपके धन में वृद्धि होगी। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, शुभ अंक आपके लिए 6। मेरे प्रिय साथियों, ये था आप 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक उनका 20 जनवरी 2023 दिन शुक्रवार संवत 2079 का ये दैनिक राशिफल। और हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है इस राशिफल के माध्यम से कि आज का दिन आप किस प्रकार व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि जब यहाँ पर हमको अपनी वाणी को विराम देना है और अपने आप सभी प्रिय श्रोतागणों से भी लेनी है इजाज़त। तो मेरे प्रिय साथियों, इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी।